तो ये केस स्टडी है बायबैक की, जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हमारे को आते हैं और हम इसको एक आर्बिट्राज के रूप में समझते हैं। और आर्बिट्राज इज़ लाइक कि मेरा प्राइस अगर इस बायबैक के प्राइस से नीचे चल रहा है एंड द कंपनी फील्स दैट द स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड एंड दे वॉन्ट टू बाई द पर्टिकुलर स्टॉक एट दिस एक्स प्राइस विच इज़ द बायबैक प्राइस एंड आई हैव एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी 5, 10, 15, 20% जो भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। अभी बहुत सारी कंपनीज बाय बैक करती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइम टू टाइम और सारी बातें हैं। एक कंपनी ये है जो जिसका नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल, और बहुत सारी कंपनीज हमने पहले भी डिस्कस करी हैं। एक हम लोगों ने कुछ केस स्टडी भी किया था, सो लेट्स लुक एट दैट केस स्टडी। एक कंपनी है नवनीत एडुकेशन, इस कंपनी ने अभी रिसेंटली बायबैक किया है। मैंने सोचा मैं आपको गोल्डियम का एग्जांपल देता हूँ, बट लेट्स नाउ गो एंड लुक एट नवनीत एजुकेशन। सो इस कंपनी ने क्या किया है कि क्लोजिंग ऑफ ट्रेड, ये कॉर्पोरेट एक्शन इंटीमेशन ऑफ बायबैक जो कि 10 दिसंबर को शुरू हुआ था, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये कंपनी क्या कह रही है कि मैं इतने नंबर ऑफ शेयर्स, इतना पैसा खर्च करके इस नंबर ऑफ शेयर्स को बाय करूंगी और पोस्ट एक्विजिशन ऑफ दीज शेयर्स आई विल कैंसिल दीज शेयर्स। 7,80,212 कुछ शेयर हैं और 100 रुपये के प्राइस पे ये लोग उसको बाय करना चाह रहे थे बिकॉज द कंपनी वॉज सेइंग बट एज पर मी द वैल्यूशंस आर अंडर वैल्यूड। सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट विल हैपन आफ्टर द बाय बैक एंड व्हाट विल चेंज इन द बैलेंस शीट आफ्टर द बाय बैक। नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी नीड टू फोकस अपॉन और बायबैक से क्या होगा एंड आप उसको देखिए। नो अगर मुझे बायबैक करना है तो मेरे पास कैश या इन्वेस्टमेंट या पैसा होना चाहिए, तभी तो मैं उस कंपनी के स्टॉक को बायबैक कर सकता हूँ। नवनीत एजुकेशन में मैं देखता हूँ तो कंपनी ने अपनी जो बोरोइंग्स हैं 278 करोड़ से 69 करोड़ कर दिए 1-1.5 साल के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरे रिजर्व्स भी यहाँ बढ़ रहे हैं और बायबैक होने के बाद मेरा जो शेयर कैपिटल है वो कम हो जाएगा और जो मेरा या तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने रखा हुआ है फालतू या मेरे पास कैश और ये सब चीज़ें जो जितना भी मैं बायबैक करता हूँ तो उस केस में उतना मेरा अमाउंट ये नीचे चला जाता है। मतलब मेरा कैश यहाँ से ख़त्म हो जाएगा 50 करोड़, 100 करोड़ जितना भी मैं बायबैक कर रहा हूँ, और उतना ही मेरा नंबर ऑफ शेयर यहाँ कम हो जाएंगे। और जो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है जो इस रिज़र्व के अंदर इंक्लूडेड है, सो फेस वैल्यू का अमाउंट तो मेरे यहाँ से कम हो जाएगा और प्रीमियम का अमाउंट मेरे यहाँ से कम हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स मेरे कम हो जाएंगे और वो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कैंसिल कर देगी। तो आने वाले पीरियड में क्या होगा, ये सिर्फ एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है या कुछ और भी इसमें हो रहा है? आने वाले पीरियड में क्या होगा, मेरा शेयर कैपिटल कम होगा, मेरा रिजर्व्स कम होगा। अगर मैं इन दोनों लाइंस को टोटल कर लेता हूँ सो दैट बिकम्स माय बुक वैल्यू। सो बेसिकली माय बुक वैल्यू विल गो डाउन, राइट? बायबैक करने से आई एम यूजिंग द कैश इन माय बिजनेस। अगर मैं 1 मिनट के लिए स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशंस को, ट्रेडिंग को दूर रखूँ, सो आइडियली नथिंग शुड हैपन ऑन माई मार्केट कैप। आई हैव यूज द कैश टू बाय बैक माई ओन स्टॉक विच इज़ कोड भी हम समझ सकते हैं कि यार मेरा आर ओ सी और आर ओ ई जो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है विच इज़ अराउंड 14-15% उससे कम है, एंड वाई इज़ द कंपनी पुटिंग मनी टू यूज़ टू बाय अ बिजनेस विच इज़ 5-6%। इट माइट गो डाउन, इट माइट नॉट गो डाउन, दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेडिंग एस्पेक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट्स। यहाँ पर बियॉन्ड दैट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी माई बुक वैल्यू विल गो डाउन, राइट? दिस विल गो डाउन विद द फेस वैल्यू एंड द सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिस विल गो डाउन। सो वॉट शुड एक्चुअली हैपन वेन माई बुक वैल्यू गोज डाउन एंड टेंटेटिवली माई मार्केट कैप और माई दिस प्राइस डज नॉट गो डाउन, सो वॉट वॉट विल हैपन? माई रिटर्न ऑन इक्विटी, सॉरी दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कैप। बाय बैक कर लेने से मेरा जो अभी करंट बिजनेस है उस पर तो फर्क नहीं पड़ता है। माई रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज़ माई नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई माई इक्विटी, नाउ इन दिस केस माई डिनोमिनेटर इज गोइंग डाउन। सो वॉट विल एक्चुअली हैपन, माई रिटर्न ऑन इक्विटी विल गो अप, राइट?
तो मेरी आरओ ही आगे चल के अच्छी हो जानी चाहिए, बिकॉज मेरे प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऑपरेशंस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आई एम जस्ट यूजिंग द एक्सेस कैश टू बाय बैक माई स्टॉक, रिड्यूसिंग माई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी गुड बिकॉज द बुक वैल्यू विच इज़ द डिनोमिनेटर इज गोइंग डाउन एज कम्पेयर टू द न्यूमरेटर. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल्सो विच इज़ माई पीबीटी प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाई माई इक्विटी विच हैज़ गॉन डाउन एंड डेब्ट विच हैज़ गॉन डाउन फॉर द लास्ट 2 ईयर्स. दैट शुड ऑल्सो बिकम बेटर, राइट? बट ऑन द कॉन्ट्रेरी विच दिस एक्शन शुड नॉट एडली इफेक्ट माई स्टॉक प्राइस. इट माइट हैव इफेक्टेड, चलो यहाँ से यहाँ थोड़ा सा उसको इफेक्ट आया है, इट्स शुड हैव नॉट इफेक्टेड. अगर थोड़ा सा भी 10-20% का इफेक्ट आता है तो बेसिकली वॉट हैज हैपेंड, माई प्राइस टू बुक वैल्यू वुड स्टार्ट लुकिंग मोर एक्सपेंसिव टू मी. बुक वैल्यू बिकम्स 40, माई प्राइस टू बुक वैल्यू वुड स्टार्ट बिकम मोर एक्सपेंसिव टू मी. वाई? मेरे नंबर ऑफ शेयर नीचे चले गए, मेरी ये जो टोटल वैल्यू डिवाइड बाई माई नंबर ऑफ शेयर्स, तो मेरी बुक वैल्यू जो है आइडली वो नीचे चलेगी. प्राइस मेरी इतनी करेक्ट नहीं करती तो कंपनी आपको वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर महंगी दिखने लगेगी, लेकिन एफिशिएंसी मैट्रिक्स पर आपको अच्छी दिखने लगेगी. अब क्या ये अच्छा है बाय बाय करना, क्या ये ख़राब है बाय बाय करना, वो डिसीजन लेना इन्वेस्टर का काम है. कि अगर आपको लगता है कि द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस हैज़ डन गुड कैपिटल एलोकेशंस इन द बिजनेस एंड यूटिलाइज द मनी फॉर ग्रोथ, फॉर गेटिंग मोर रिटर्न्स इन द बिजनेस, एंड इफ ही कुड नॉट फाइंड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड, ही हैज़ इन्वेस्टेड दिस मनी बैक इन टू हिज बिजनेस विच कैन बी गुड, राइट? एंड वाई नॉट गुड? कि यार अगर मानो इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, जो यहाँ पर थोड़ा सा डीग्रो आ गया है फ्रॉम 2020, मे बी बिकॉज ऑफ कोविड दे हैव नॉट एबल टू गेट बैक टू देयर सेम सेल्स एंड प्रॉफिट्स, स्कूल अभी खुले हैं नहीं खुले हैं, ऑनलाइन हो गया, सारी बातें. बट अगर मेरा धंधा ग्रो नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ कोरोना और बिकॉज ऑफ एनी तीन प्रॉब्लम्स, बट माई रिटर्न आर ओनली 6%. अगर मुझे 5-6% का ही रिटर्न लेना होता तो मैं बैंक में एफडी करा देता ना, मेरे को इतनी मगजमारी करने की ज़रूरत ही क्या थी, राइट? प्लस से 1% ऑफ माई डिविडेंड. अगर मुझे 5-6% का रिटर्न लेना होता तो मुझे इतनी मगजमारी करने की ज़रूरत ही क्या थी. सो आइडियली इफ़ यू सी कि दिस कंपनी हैज़ डन अ बाई बैक अराउंड 100 रुपीज़, एंड आफ्टर 100 रुपीज़ वैन द बाई बैक गॉट कम्प्लीटेड द स्टॉक प्राइस केम डाउन टू 88 रुपीज़. वाई? बिकॉज मे बी द स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर सेइंग यू हैव यूटिलाइज द कैश इज नॉट सो गुड वे, राइट? तो अगर ये कैपिटल एलोकेशन डिसीजन सही होता, मान लो मेरा बिजनेस 15-20% से ग्रो कर रहा होता और मेरे रिटर्न मैट्रिक्स मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर होते, राइट? तो मार्केट प्राइसेस आपको कुछ शायद कुछ अलग ही ट्रेंड दिखाती, राइट? अभी जैसे इन्वेंट्री डेज बहुत ज़्यादा हैं तो इतना भी अच्छा बिजनेस नहीं है. सवाल ये उठता है, कंपनी ने बाय बाय किया है, उसको अपने धंधे में ज़्यादा ट्रस्ट है, तो क्या ये मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल जो पहले इतना अच्छा हुआ करता था, जो अचानक कोविड के टाइम में ख़राब हो गया, क्या ये मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल वापस इतने अच्छे पोजीशन में आ सकता है? दैट इज़ नंबर वन. कैन आई गेट सम जजमेंट कि दिस इज़ अ टेम्प्ररी प्रॉब्लम? दैट इज़ नंबर टू. बट वन प्रॉब्लम विच आई सी इन दिस बिजनेस इज इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज. माल बिकता नहीं है, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, राइट? ये जितना बनाते हैं उतना बेच नहीं पाते, और इसी वजह से जिनका कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, पहले लगभग 1 साल के आसपास था. इन्वेंट्री जो मैं बना पा रहा हूँ वो मैं फिक्स एसेट्स के कारण बना पा रहा हूँ. कंपनी ने कभी भी आपको कोई मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं किया है, मेंटेनेंस कैपेक्स जरूर किया है, ठीक है? तो सिर्फ एक बायबैक का प्राइस मेरे करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है या इस प्राइस पे मैं बायबैक कर रहा हूँ, इतना मुझे एक आर्बिट्राज मिल गया है. और सब जगह यही डिस्कस होता है, हमको ऐसा नहीं देखना चाहिए. हमको ये देखना चाहिए कि प्रमोटर जो पैसा कंपनी को बिलोंग करता है, शेयर होल्डर को बिलोंग करता है, सिंस वो प्रमोटर है और वो पैसा वो किसी एसेट में लगा रहा है जो इस केस के अंदर उसी का
कंपनी के शेयर्स हो गए, सो व्हाई आई शुड इन्वेस्ट इन इट? लुकिंग एट द शॉर्ट टर्म चार्ट्स, लुकिंग एट द शॉर्ट टर्म आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, और इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड द बिजनेस दैट माई बिजनेस इज ग्रोइंग एंड अर्निंग अ रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न, और सेकेंडली इट माइट नॉट बी अर्निंग अ रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न बट इन फ्यूचर इट कैन अर्न अ रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न विच इज ओनली वैलिड और विच इज ओनली इम्पॉर्टेंट हैज सम वैल्यू वैन माई अर्निंग ऑफ रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न इज अकम्प्लिश्ड विद गुड ग्रोथ. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी शुड लुक एट बायबैक्स, हाउ द बैलेंस शीट विल चेंज विद द बायबैक्स एंड हाउ द नंबर्स विल पैन आउट. एंड बायबैक में सिर्फ ये चीज़ समझ में आती है कि अगर मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएगा तो मेरी EPS बढ़ जाएगी. राइट, कंपनी आपको महंगी दिखने लगेगी बिकॉज आपकी बुक वैल्यू का जो डिनोमिनेटर है वो गिर जाएगा. राइट, एंड द प्राइस विच इज़ द न्यूमरेटर इज ऑन द परसेप्शन ऑफ द फॉरवर्ड अर्निंग्स नंबर वन एंड ऑन द अर्निंग्स ट्रैक रिकॉर्ड विच हैज़ एलैप्स्ड इन द पास्ट. सो डू चेक आउट फॉर बायबैक्स एंड डोंट ब्लाइंडली ट्रेड देम फॉर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज लुकिंग एट चार्ज. Try to sense what the business is about, try to gauge the business and then try to invest on these opportunities to make sustainable long-term wealth rather than just flip-flops. So that's the interesting case study for buybacks. And it is not only Navneet Education, we can see any company about it. Okay.